के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बॉल मैदा लिया है, मैदा को हमने छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और एक चम्मच तेल। हाथ से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वही वाली कहावत हो जाएगी, गीले में सूखा मैदा डालो फिर पानी डालो तो अपनी क्वांटिटी बढ़ते जाएगी। इसके जगह पे हम एकदम अंदाज से पानी डालेंगे कि अच्छा सा एक स्मूथ डो तैयार हो जाए। तो यही उपाय है कि थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के डो तैयार करें। हमने अच्छे से मसल मसल के एक बढ़िया सा डो तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ये ना हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है। अब हम थोड़ा सा तेल लेंगे और आटे के ऊपर ऐसे ग्रीस करके आटे को कवर करके छोड़ देंगे और चलते हैं स्टफिंग बनाने। स्टफिंग बनाने के लिए हमने गैस पर एक पैन ले लिया है, गैस को हम ऑन कर लेंगे और इसमें एक छोटा चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक यानी कि लहसुन, जिसे हमने छील के बारीक बारीक काट रखा है। कभी भी आप स्टफिंग के लिए गार्लिक जब काटिए तो एकदम बारीक काटना चाहिए क्योंकि अपनी मोमोज फूटती नहीं है। हमें गार्लिक को ज़्यादा नहीं भूनना है, जस्ट इसकी कच्चापन दूर करनी है। तो इसे हम आधा मिनट तक ही भूनेंगे। आप देख सकते हैं अपनी लहसुन की कच्चापन चली गई है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे प्याज, प्याज को भी हमने बारीक बारीक काट रखा है और साथ में हरी मिर्च भी डाल देंगे जिसे हमने बारीक बारीक काट रखा है और इसे भी हम 2 मिनट तक भूनेंगे। हमें कोई भी सब्जी गलने नहीं देना है, जस्ट इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए उतना ही हमें पकाना है। तो हम मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए ऐसे सब्जियों को भूनेंगे। आप देख सकते हैं प्याज का भी कलर चेंज हो गया है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे पत्ता गोभी यानी कि कैबेज, इसे हमने ग्रेटर की मदद से बेट करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। इसे भी हम प्याज के साथ भूनेंगे। तो हमें सभी सब्जियों को मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक ही भूनना है, ज़्यादा टाइम नहीं भूनना है। कैबेज के साथ में ही हम डालेंगे गाजर, जिसे हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। तो हम इसमें गाजर डाल देंगे और चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। हमने गाजर और कैबेज को 1.5 मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल खड़ारा हो गया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, इसे भी हमने छोटे छोटे बीच में काट रखा है। आपको फिर से बता देती हूँ, सब्जियाँ बिल्कुल बारीक कटी होनी चाहिए या ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए। अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें काट लीजिए, पर कैसे भी वो सब्जी बिल्कुल बारीक कटी होनी चाहिए। तो अपनी सब्जियाँ ऑलमोस्ट भून चुकी है, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच ब्लैक पेपर डाल रहे हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और स्वाद के अनुसार हम नमक डाल रहे हैं। ध्यान रहे हैं, नमक सबसे लास्ट में डालना होता है। सभी सब्जियों को हम फिर से आधे मिनट तक मसाला के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी सब्जियां और मसाला अच्छे से भून चुकी है, यानी कि सब्जियां गली भी नहीं है और इसमें कच्चापन भी नहीं है, क्रंच बिल्कुल बरकरार है। ऐसे ही हम मोमोज की स्टफिंग तैयार करते हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर ले रहे हैं और चलिए हम इसकी पूड़ियां तैयार कर लेते हैं। आटा अपनी अच्छे से सेट हो चुकी है, तो हम एक बार फिर से इसे अच्छे से मसल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी मैदे की डो तैयार हुई है मोमोज के लिए। हमने आटा को अच्छे से मसल लिया, अब हम इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे और ऐसे रोल बना लेंगे। इसके छोटे छोटे हम लोई तोड़ेंगे, यानी कि एक पूरी के बराबर हमें लोई लेना है। तो हम सभी लोई तोड़ लेंगे।
अब हम एक एक लोई लेंगे और इसके बॉल्स तैयार करेंगे। तो मसलते हुए हमें पूरी के जैसे बॉल्स तैयार करना है। अब हम एक एक लोई लेंगे और इसे ऐसे मैदा में डस्ट करके पूड़ियां बेलेंगे। तो मोमोज की पूड़ियां बिल्कुल पतली सी बेली जाती है, ध्यान रहे। ये मैदा है तो पतली हो भी जाती है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसे एक पूड़ी के बराबर छोटी सी ले लोई को बेल लिया है। अब हम इसे स्टफ करना बताएंगे आपको। पूड़ी में हम स्टफिंग कैसे भरेंगे? हम एक चम्मच स्टफिंग लेंगे और पूड़ी के बीच में रखेंगे। आप ध्यान से देख ले लिए, आप ध्यान से देख लीजिए, हमने भरपूर मात्रा में स्टफिंग ली है और एकदम बीच में रख लिया है। अब हमें क्या करना है, पूड़ी के कॉर्नर को उठाना है और जैसे हम गुजिया में प्लेट डालते हैं वैसे प्लेट डालना है। अब ध्यान से देखिए, एक एक कॉर्नर को मैं उठा रही हूँ और इसे ऐसे प्लेट देते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, केवल आपको ध्यान से देखना है। हमने सभी पूड़ियों को एक साथ में ज्वाइंट कर लिया। अब इसके मुंह को हम हल्का सा ऐसे घुमा देंगे कि स्टीम करते हुए ये फूटे नहीं। तो ये अपनी पहली मोमोज बनकर तैयार है। अब हम दूसरे तरीके का मोमोज बनाना बताएंगे आपको। पूड़िया हमें सेम तरह से बेल लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमने सेम तरीके से पूड़ी बना ली है, बिल्कुल पतली पूड़ी है। यानी कि हम अगर इसे उठा के आपको दिखाएं तो ये इधर से उधर तक अपनी अंगुली दिखता है, इतनी पतली पूड़ी हमने बनाया है। फिर हम इसके बीच में स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग भरपूर मात्रा में रखेंगे तभी स्वाद आएगा, नहीं तो बिल्कुल आटा ही आटा मुंह में आएगा। ये अपना हम गुजिया बनाते हैं उस तरीके से आपको बना के दिखाएंगे। दोनों मुंह को हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और ऐसे हम दबा लेंगे। अगर आपसे नहीं चिपके तो थोड़ा सा पानी की मदद ले लीजिए, ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो हमने इसे दोनों साइड से दबा लिया है, हमने अच्छे से इसके मुंह को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल सरल तरीका है। ये दोनों पॉइंट को हम यहाँ लाके और ज्वाइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी एक अपनी बहुत ही आसान तरीके से मोमोज बनाना, ये भी एक अपना बहुत ही आसान तरीका है मोमोज बनाने का। अब चलिए हम तीसरा तरीका आपको बता देते हैं। तो हमने तीसरी पूड़ी भी बेल ली है। पूड़ी के जस्ट सेंटरिंग में हम ये फिलिंग रखेंगे, इसे हम थोड़े लॉन्ग शेप में रखेंगे, ऐसे अंगुली से ही कर देंगे। ऐसे किनारे को हम पानी से ऐसे गीला कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, आधे पूरी में हमें प्लेटिंग करना है। तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल छोटा छोटा प्लेट देंगे जैसे कि हम गुजिया बनाते हैं और देते हैं वैसे। तो आप देख सकते हैं आधी पूरी में अपनी प्लेटिंग तैयार हो गई है और बाकी का जो है उसे हम ऐसे सिंपल ज्वाइंट कर देंगे। तो मोमोज बनाने का कई तरीका होता है, आपको जो भी सरल लगे वो बना सकते हैं। खाने में टेस्ट तो सेम ही आने वाला है, बस देखने में सुंदर दिखता है। तो हमने तीन तरह का मोमोज बनाना आपको बता दिया। चलिए हम सेम प्रोसेस से बाकी सभी मोमोज तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम अलग अलग तरीके से मोमोज को स्टफिंग करके तैयार कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक ऐसा जालीदार बर्तन, तो आपके पास जो भी हो, नहीं तो आप आटा सालने वाला अगर छलनी है उसे भी लेके स्टीमर पे रख के स्टीम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी जाली अवेलेबल है। तो इसे हमने ग्रीस कर लिया तेल से। अब सभी मोमोज को हम ऐसे आराम आराम से इस पे सजा देंगे। तो ध्यान रहे चिपकाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा एस्पेस देके हम इसे सजा लेंगे। तो यहाँ पे एक बार में जितना मोमोज आ सके आप अच्छे से सजा लीजिए। ट्रेडिशनल तरीके से तो अलग अलग
बांस की बास्केट आती है या बहुत सारे बर्तन आते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब हम एक इडली कुकर में पानी उबालने के लिए रख रहे हैं। तो हमने एक इडली मेकर में 1 लीटर पानी डाल के गैस पे उबलने के लिए रख दिया है। पानी में स्टीम बनना शुरू हो गया है। इसी टाइम पे हम अपना ये ट्रे जो है उसे बड़ी ही सावधानी से इसमें शिफ्ट कर देंगे और कवर से हम इसे कवर करके और 15 मिनट तक हम स्टीमर में स्टीम होने देंगे। यानी कि अपनी मोमोज जो है अच्छे से पकनी चाहिए। आप चाहें तो 20 मिनट भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छे से पक जाना चाहिए। गैस का फ्लेम पानी उबलने के बाद हम मीडियम कर लेंगे और तब पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं और चलिए अब हम ढक्कन को हटा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी मोमोज अच्छे से पक चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी पक्कर लेंगे और पक्कर की मदद से आराम आराम से गर्मा गर्म मोमोज निकालेंगे। हाथ से नहीं छूना है, नहीं तो ये हाथ जलेगा। और हमें गर्मा गर्म सर्व करना है। तो हम ऐसे पकड़ की मदद से एक एक मोमोज निकालेंगे और प्लेट में इसकी प्लेटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया मोमोज बनाना कितना आसान है। तो इसे आप अपने मन पसंद चटनी सॉस के साथ खाइए। मोमोज की चटनी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो हमारे लिंक में जाके देख सकते हैं। तो इसे आप भी जरूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर।